राधे राधे दोस्तों, कार्तिक का महीना जो भगवान विष्णु को समर्पित है और ये महीना बड़ा ही पवित्र और पावन महीना है। इसमें आप एक हल्दी के दिए का अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो आप एक दिया अवश्य लगाइए। इतना अपार पैसा आएगा, धन वर्षा होने लगेगी, सात पुस्तकें आपके घर से कभी भी मालामाल हो जाएंगी, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी। जो टेंशन है, परेशानी है, डिप्रेशन दूर चला जाएगा। आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे, तो कहते हैं भगवान विष्णु कार्तिक के महीने में इंद्रा में जागते हैं। कार्तिक के महीने में ही तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी और हम लोग होली दीपक कई सारे आने वाले दीपावली जैसे त्योहार हमने मनाए हैं। कार्तिक के महीने में सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, मुंडन शादी विवाह हर चीज ये शुरू हो जाती है। अगर आप पैसे की तरफ से हैं परेशान, तंगी से बहुत ज्यादा आपको परेशानी, तो भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए आपको देवउठनी एकादशी के दिन या कार्तिक के महीने में किसी भी दिन आपको एक दिया अवश्य लगाना। कहते हैं कार्तिक के महीने में दीप दान या दीप दान करने से या दान करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। आपको एक दिया बनाना है जो कि लंबी बाती का दिया होगा। आप ये तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं भगवान विष्णु की कृपा, क्योंकि भगवान विष्णु को जो हल्दी बहुत ही प्रिय है। और कहते हैं माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा मिलती है। जब भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके पास आती है। और देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान निंद्रा से जागते हैं तो उस दिन सबसे पहले तुलसी का दर्शन करते हैं और तुलसी माँ के दर्शन करने के बाद उनका तुलसी विवाह भी किया जाता है। और कार्तिक महीने में देवउठनी देव उठाए जाते हैं, उस दिन आपको एक लंबी बाती का दिया बनाना है। एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है और उस हल्दी से आपको करना क्या, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सुबह या शाम आप किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं और देवउठनी एकादशी पर कर सकते हैं। जैसे कार्तिक का महीना निकल चुका और आपको बाद में ये वीडियो मिले तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन या लास्ट वाले दिन भी आप कर सकते हैं। अपार धन की प्राप्ति होगी, पैसा ही पैसा आने लगेगा, आपके हाथ से कभी पैसा जाएगा ही नहीं, लक्ष्मी माँ आपके घर में विराजमान रहेगी। देखिए सबसे पहले जो महिलाएं होती हैं वो उनको बड़ा ही साफ मन रखना चाहिए और उनका जो स्वभाव है वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा वहीं आती है। जो लोग परेशान होते हैं वो टेंशन में बने रहते हैं अब क्या होगा और उनके पास पैसा नहीं होता, जितने वो दुखी होते हैं और दुखी होते चले जाते हैं, उनके पास तक पैसा नहीं आएगा। तो आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है, मिट्टी का दिया मिले तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप आटे का दिया भी लगा सकते हैं। उस आटे के दिए में आपको एक लंबी बाती करके भगवान विष्णु की छवि के सामने, अपनी पूजा की छवि के सामने आपको एक चुटकी हल्दी लेनी, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना और हल्दी में आपको जो दिया है उसमें डाल देनी है, सात बार ऐसे करना। उसके बाद आपको थोड़े से फूल लेने हैं, आपको चावल यूज नहीं करने क्योंकि एकादशी है। अगर एकादशी से अलग किसी भी दिन करते तो आप दिए के नीचे चावल रख सकते हैं। देखिए काली आप किसी भी चौकी पर या जमीन पर ऐसे दिया ना रखें, नीचे फूल की पंखुड़ी दे या चावल रख दें। अगर एकादशी से अलग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिए के नीचे अवश्य रखें, खाली दिया जमीन पर ना रखें। उसके बाद सात बार ये करना आपको। और गेहूं जो होता है अनाज, उसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। थोड़े से आपको गेहूं लेने हैं, किसी भी लोटे में भर के आपको अपनी पूजा में रख देने हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको बैठ कर भगवान विष्णु के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने आपको 11 बार उच्चारण करना है। देखिए जब आप 11 बार उच्चारण करते हैं और ये कार्य करते हैं, बहुत सरल सा उपाय है, छोटा सा उपाय है और ये ऐसा टोटका है, क्योंकि जो पीली हल्दी होती है ना वो भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं और इस प्रसन्न चीज के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी आपके पास स्वयं चली आएंगी और इतना अपार धन आएगा कि आप सोच नहीं सकते। यही हम दूसरा उपाय आपको बताएंगे कि जो हल्दी से दूसरा उपाय आपको हमेशा करना चाहिए। कार्तिक के महीने में इतना पैसा आएगा कि बहुत ज्यादा, जो लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय है आपको हल्दी का, या आप किसी भी बृहस्पतिवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान ऐसा टोटका है जो कि आपके जीवन में बड़े ही चेंज, बड़े ही बदलाव लाएंगे, भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगेगी, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और हल्दी का दूसरा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, आपको हल्दी जो है थोड़ा सा आपको पेस्ट बना लेना है, या आप पीसी भी हल्दी भी ले सकते हैं, आपके किचन में होगी, लेकिन जूठी हल्दी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली चीज, पीला भोग, पीली हल्दी बहुत पसंद है। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और इस हल्दी के उपाय से करने से आपके घर की सारी परेशानी, दुख, बाधाएं, संकट
सब जो आपके रुक जाते हैं ना और पैसा नहीं आता है, वो पैसा आने का स्रोत बनने लगते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में पैसा आने लगता है क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने लगती है। तो इस हल्दी के छोटे से उपाय से आपके जीवन में देखिए सभी लोग बताते हैं और बहुत ही अच्छे, और कार्तिक का जो महीना है वो तो बहुत ही अच्छा महीना है, और ऐसे में आपको हल्दी का उपाय अवश्य करना चाहिए। ये जो हल्दी का उपाय है ना, ये आपको हमेशा अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर कार्तिक के महीने में किसी भी एक दिन अवश्य कर लीजिए, या हर गुरुवार को आप कर सकते हैं अपने मस्तिष्क पर और थोड़ा सा कंठ पर लगाइए। ऐसा करने से आपसे धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आपके पास धन ही धन होगा, कोई भी धन के बारे में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है ना तो पैसा खुद पे खुद आने लगता है। तो ये थे दो उपाय, और नंबर तीन लास्ट उपाय जो आपका बहुत ही अच्छा है, जिनके घर में बहुत ज्यादा दुख परेशानी कष्ट संकट बने रहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही तरीके से आपको बहुत ही सरलता के साथ, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है ना वो बड़ा ही पवित्र महीना है, इस महीने में तो सभी लोग तैयार हो जाएं अपने सारे बिगड़े काम बनाने को, सारी मनोकामना पूरी करने के लिए। अगर कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी नहीं होती तो इससे पूरी हो जाएगी। आपको कार्तिक महीने में बाल्टी में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य नहाना चाहिए पूरे कार्तिक महीने। अगर पूरे कार्तिक महीने नहा पाए तो आप एकादशी के दिन पूर्णमासी के दिन तो अवश्य ही नहाइए, सारे संकट दुख परेशानी कष्ट जो आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है उसके भी दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में बदलाव आने लगा। ये मनोकामना आप कोई सी भी मनोकामना बोलकर अगर ये करते हैं तो आपके सारे संकट सारे दुख सारी परेशानियां दूर हो जाती है, और कार्तिक का जो महीना है इसमें भगवान विष्णु उठ जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। और जो भक्त हमसे पहली बार जुड़े हैं उन्हें राधे राधे दोस्तों, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना। फिर कुछ अलग कुछ नया ऐसे ही सारी वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल पर हर प्रकार की वीडियो मिले।